नमस्ते, आज दिवाली है, आप सबको दिवाली के बहुत सारी बधाई। आंगन सब हुआ ही था, चार पांच लोग खेत के काम करने के लिए आए हैं, अब क्या करूं। ये मेरी हैंडलूम, नहा के आई हूँ। पहले मंदिर को साफ सफाई किया, उसके बाद बाटी को साफ सफाई किया शाम के लिए। ये मेरी फूलों के बाग है, यहाँ से मैं थोड़ा फूल ले लूँगी और भगवान जी को चढ़ाऊँगी। कल का बनाया हुआ राइस डोसा और ये साई बनाई हूँ काम करने वाले लोगों के लिए। काम करने वाले लोगों के लिए नाश्ता के लिए मैंने सूजी के हलवा बना रही हूँ और मेरे पास नारियल है फ्राई किया हुआ, थोड़ा नारियल दे दूँगी हलवा में तो हलवा के टेस्ट ज़्यादा आता है, और थोड़ा दूध में पानी मिलाकर यहाँ पर डाल दूँगी। ये हलवा साई उन लोगों को दे आती हूँ और ये सास के लिए चावल बनाई हूँ। सभी रूम को साफ सफाई करके लिया हूँ। ये टेबल दोनों बेटा पढ़ते हैं और ये बेड पट्टी का है, और इस रैक पे बच्चे किताबें रखते हैं, और ये मेरा मशीन, और मैं एक मफलर बुन रहा हूँ। टाइम मिलते ही मैं कुर्सियाँ की काम भी करती हूँ। और ये हमारे रूम, यहाँ पर सभी का कपड़े रखती हूँ, और इस बेड पर दोनों बेटा सोते हैं और बेटिया रूम में इस बेड पर। ये मेरी दादी सास की जापा है जो मैं संभाल के रखना चाहती हूँ, और ये मेरी सासू माँ के कमरा है, और ये ससुर जी की तस्वीर, और इस बेड पर मेरी सासू माँ सोती है, और उनके कपड़े रखने वाले अलमारी, और इस बेड पर कोई मेहमान आते हैं तो मेहमान रहता है, और ये रूम मेहमान आते हैं तो यहाँ पर बैठते हैं। और इस रूम पर दोनों बेटा का साइकिल और पोती का बाइक और मेरी चरखा रहती है, और इस दरवाजे से हम पीछे के ओर जाते हैं, और सास बैठ रहे हैं वहाँ, और इस दरवाजे से इधर आओ तो यहाँ पर
खेत के काम कर रहे हैं और घास को धान से अलग कर रहे हैं। और ये मेरा किचन है, यहाँ पर मैं बर्तन रखती हूँ और ये ड्राम पे पानी रखती हूँ। और ये मेरा चूल्हा है, जब लोग ज़्यादा होते हैं तो मैं चूल्हा पर खाना बनाती हूँ, आज भी चूल्हा पर ही बनाऊँगी। और यहाँ पर गैस है मेरी खाना बनाने के लिए। और यहाँ ये डाइनिंग टेबल है, यहाँ पर ही सब लोग खाती हूँ, ज़्यादा बड़ा है, काम करने वाले लोग होते हैं तो सब एक साथ खा सकूँ इसलिए। और सर और दरवाज़ा बंद करके रखा हूँ, धूल मिट्टी अंदर ना जाए घर की। और ये मेरी बेटी के लिए झूलना बना के दिया हूँ मेरी साड़ी से, यहाँ पर झूलते रहते हैं। और ये हमारी स्टोर रूम है, यहाँ पर एक थापना है जो मैं सुबह दिया जलाती हूँ, इन्वेटर। और इस दरवाजा खोलने पर हमारे गाय रखने के कमरे, यहाँ पर रात को गाय बांधा जाता है। और इस रूम में बेते पड़ते हैं। और यहाँ पर एक बेड भी है और हमारे फ्रिज, मेहमान आते हैं तो इस बेड पर भी सोते हैं। और बच्चों के कपड़े, और इधर से पीछे की ओर और थोड़ा आगे जाऊंगी तो जो घास निकल रहे हैं उस घास को यहाँ पर स्टोर करके रखेंगे गाय के लिए। दोनों बेटे शाम के लिए बनाना प्लांट लाए हैं, शाम को ये बनाना प्लांट पर ही दिया जलाऊंगी। और सरोवर ये मैंने चूल्हा जलाई हूँ खाना बनाने के लिए, और सभी चीज़ें यहाँ पर तैयार करके रखा हूँ, दाल धो के रखा हूँ और ये सोया बोरो और सब्जी काट के रखा हूँ, सब्जी के साथ सोया बोरो बनाऊँगी, ये साबल और ये आलू छोटे छोटे टुकड़े में, और साग ये प्याज है एक छोटे में काट के रखा हूँ और साग में देने के लिए, और ये सब्जी में देने के लिए। चूल्हा पे दाल चढ़ा दिया हूँ और गैस पे मैं साग बनाऊंगी, इसके लिए मैं गैस की फ्लेम लो किया हूँ और कढ़ाई में थोड़ा ऑयल डाल दिया हूँ साग बनाने के लिए। और यहाँ पर केतली हटा कर चावल बनाने के लिए हांडी चढ़ाया हूँ, और ऑयल गरम हुआ है तो चिल्ली डाल दिया हूँ फ्राई होने के लिए। और उसके बाद प्याज, प्याज की कलर चेंज होते ही आलू चढ़ा दूँगी। ये देखिए मेरे प्याज का कलर चेंज हुआ है और आलू चढ़ा दिया। और स्वाद के अनुसार नमक डालूंगी और हल्दी पाउडर।
और थोड़ा फ्राई करूँगी और ढक्कन लगा चम्मच से डाल के साग निकाल के फेंक दिया हूँ। और यहाँ पर मैं साई के लिए दूध चढ़ाए हूँ जो काम करने वाले लोग हैं उसके लिए। और यहाँ पे मेरे थोड़ा आलू को हिलाया हूँ अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, उसके बाद मैं साग डाल दूँगी। अच्छी तरह से हिलाकर ढक्कन दे दूँगी और यहाँ पर कुछ नहीं दूँगी। ये मेरे साई में उबाल आ गई और दाल को थोड़ा हिला दिया हूँ, तले में ना से पक जाए। और पानी में उबाल आ गए है, इसमें मैं साल चला दूँगी और हिला दूँगी और पानी डाल दूँगी दाल में। और स्वाद के अनुसार नमक, हल्दी पाउडर 2 चम्मच और जीरा और लाल मिर्च के गुड़ापा 1 चम्मच डाला हो। और साग के ढक्कन हटाकर मैं थोड़ा हिला दिया हूँ और थोड़ी देर बाद गैस के फ्लेम ऑफ कर दूँगी। दाल थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा उबाल आए जाए उसके बाद दूसरे कढ़ाई में डाल दूँगी। और चावल में भी उबाल आए है, और मेरे साग बन गए हैं, गैस का फ्लेम ऑफ कर दूँगी। और दाल को उतार लूँगी इस कढ़ाई को और दूसरे कढ़ाई चढ़ा दूँगी। यहाँ पर मैं चावल को डाल दूँगी, अच्छी तरह से पानी निकल जाए इसलिए। और इस कढ़ाई पर दाल के लिए तड़का बनाऊंगी। चावल की पानी अच्छी तरह से निकल जाएंगे इसलिए मैं ये छलनी पर चावल को डाल दिया हूँ। और इससे हमारा चावल बहुत ही खिला खिला होगा। और इस चूल्हे पे मैंने केतली को बैठा दिया हूँ और इस कढ़ाई पर थोड़ा सा ऑयल डाल दिया हूँ दाल के तड़का के लिए। और गनपत दिया हूँ जो तेजपत कहते हैं, और मिर्ची 3-4 और थोड़ा जीरा। अब मैं इस कढ़ाई से उस कढ़ाई में दाल को डाल दूंगी। मेरे दाल बन गया है, थोड़ा उबाल आ जाए उसके बाद मैं यहाँ पर रखा हुआ और सेम उस कढ़ाई को ही चूल्हा पर बैठा दिया हूँ हमारी सब्जी बनाने के लिए। सब्जी बनाने के लिए मैंने ऑयल डाल दिया हूँ और तेज पत्ता, कढ़ाई तो पात हुई से गनपात सी जलकिया फैलाई लीस, और ऑनियन कटा हुआ एक, सोया बोरो डाल दिया हूँ। थोड़ा फ्राई हो जाए इसके लिए थोड़ा हिला दिया हूँ, उसके बाद सब्जी को डाल दूंगी। या मैं सब्जी को डाल दिया, सब्जी को थोड़ा हिलाकर मैं यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डालूंगी और हल्दी पाउडर
और पिसा हुआ जीरा और मिर्ची की पाउडर 1 चम्मच, मैं अच्छी तरह से मिक्सिंग करूंगी और थोड़ा फ्राई हो जाए। उसके बाद मैं पानी डालूंगी। फ्राई करते टाइम लकड़ी को निकल के रखा था, अभी लकड़ी को डाला हूँ क्योंकि मैंने पानी डाल दिया हूँ सब्जी पे। और मैं सब्जी पे एक ढक्कन डाल दूंगी, अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और पानी सूख के मेरे सब्जी ऐसा बना है। और थोड़ा टाइम मैं चूल्हा पर ही रखूंगी, अच्छी तरह से पानी सूख जाए। मेरे सब्जी बन गए हैं। अब मैं कढ़ाई को उतार लिया हूँ चूल्हा से और देखिए मेरे सब्जी के कलर, कोई भी मसाला नहीं दिया, पिसा हुआ। जल्दी जल्दी मैं बनाया हूँ क्योंकि लोगों को खाना खिला के मुझे मंदिर की काम भी करना है और दियाबाती की तैयारी भी करना है शाम के लिए। मैंने भगवान जी को प्रसाद चढ़ाया हूँ और तुलसी माता को दिया, और ये मैं दियाबाती सरोवर लगाने के लिए तैयार किया हूँ। নাই গেছে নাই ভিতর হে গেছে।